खसूसियात एक हॉलमध्ये इथे बघितले नाही आहे की जिथे आणि तुम्हाला सगळ्यांना बघून मला वाटतंय की मला मराठीत भाषण द्यायला पाहिजे, पण तर तुम्ही काळ्या लवकर मानली, मला मराठी बोलता येतात पण भाषण करायला येत नाही. तरी पण शक्यतो ज्या भाषेत तुम्हाला कळेल तशी भाषा बोलायला मी प्रयत्न करेन. चेअरमन ऑफ लीला फाउंडेशन मिसेस लीला पुनावाला, आय एम सॉरी मॉम, डॅड, व्यासपीठावरती असलेले सगळे नामवंत लीला फेलो, पास्ट प्रेझेंट अँड फ्युचर सगळे तीन तीन इकडे हजर आहे, ते बघून फार आनंद झाला. काही यंग डायनॅमिक लीला फेलोशी भेटून मला अत्यंत आनंद झाला. दोन इकडे बसलेले आहे आणि मॉम अँड डॅड आता मी दोघांना म्हणणार आहे, कारण की मला मी त्यांना मॉम अँड डॅड म्हणलं मला वाटेल की मी फार यंग झालो, तो एक मला मोठा फायदा मिळेल. तर लीला आजपासून मी तुम्हाला मॉम म्हणणार आणि फिरोज तुम्हाला, तुला नाही पण तुम्हाला मी डॅड म्हणणार. थोडा हिंदी मी सुरू करतो. आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि लीला पुनावाला फाउंडेशन ने मुझे यहाँ चीफ गेस्ट बुलाकर मेरा बहुत बड़ा गर्व किया है. और रविवार को सुबह इतने यंग डायनेमिक चार्मिंग एंड वाइब्रेंट लड़कियों को देख के दिल हो जाता है कि शायद मैं भी 20-25 साल का रहता तो मुझे भी बहुत आनंद मिलता. जब ऐसे फंक्शन में जाते हैं, जब मैं जाता हूं तो कुछ वजह से बहुत आनंद होता है, क्योंकि मैं तीन लड़कियों का बाप हूँ और बहुत गर्व से मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये तीन मेरी लड़कियाँ हैं. बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, बहुत संस्कारी है और कभी भी बहुत विनम्रता से सबके सामने पेश होते हैं. कल की बात है, जरा उसको राइट स्पिरिट में आप लड़कियाँ लेना. कल शाम को मैं मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ में बैठ रहा हूँ, मेरी पुणे में जो लड़की है उसको भी दो लड़कियाँ हैं, तो उसको मैं बोल रहा था हंसते हंसते खाते टाइम कि कल ये फंक्शन में मैं जा रहा हूँ जहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ रहेंगी, लेकिन मेरे को एक केस याद आ गया कि जब मेरी तीसरी लड़की का जन्म हुआ उस टाइम पे मैं मेरे गांव में गुजरात में गया था और वहाँ मेरी बहुत बुढ़ी चाची जो बहुत कॉन्जर्वेटिव रहती है, आप समझ सकते हैं ये बहुत साल पहले की बात है, तो उनके कॉन्जर्वेटिव विचार के हिसाब से मुझे उन्होंने क्या कहा कि तेरे को तीसरी लड़की होगी. मैं बहुत रोई
तो मैं जोर जोर से हंसने लगा, बोले तुम क्यों रोई, तेरे को दो लड़कियां थी और एक तीसरी लड़की हो गई। यह बैकग्राउंड है मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी बात की जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी ग्रांड डॉटर ने मैं पूछे कि उसमें रोने का क्या होता है, उसमें कोई लड़का हो या लड़की है क्या फर्क पड़ता है, शी इज हार्डली 13 years old girl। इतना परिवर्तन अपने देश में आ गया है कि अभी लड़कियों को यह भी पता नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, उसमें कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यह बात मैंने कल ही मेरी ग्रांड डॉटर से सीखी कि लड़का हो या लड़की एक ही बात है। बीच में तो आपने देखा था उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हिंदुस्तान में लड़कियों का औरतों का इलाज था, पश्चिम में आनंदीबेन थे, उत्तर में सोनिया जी थे, पूर्व में ममता जी थे और साउथ में अम्मा जी, और अपने हार्ट में, इंडिया के हार्ट में माया देवी बैठी हुई थी। और सुंदरा राजे ऐसे तो फिर बहुत बहुत लंबा बात है, बट कहने की बात है कि जो पुरुष नहीं कर सकते वो औरत करके दिखाते हैं। और यह आज के जमाने में बहुत गर्व की बात है, वर्ल्ड में भी आप देखेंगे, आपने कहा तो वर्ल्ड में भी कितनी औरत होने वाली, और दो दिन के बाद शायद दूसरी एक औरत वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री का को रूल करेगी, क्योंकि अमेरिका में तो जो पावर प्रेसिडेंट का है तो किसी को भी नहीं, इतना बड़ा पावर इनके पास है। तो लीला पुनाला फाउंडेशन को मैं एक बात की बहुत तारीफ करनी जरूरी है कि इन्होंने यह एक यूनिक कंसेप्ट आप सबके सामने रखा है, वह सिर्फ स्कॉलरशिप का नहीं है। स्कॉलरशिप तो काफी संस्था देती है, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ में आपको एजुकेशन पूरा करने की भी अपॉर्चुनिटीज देती हैं, उसके बाद में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी आपको ट्रेनिंग मिलती है। जैसे मैं ये दो लड़कियों को मिला, उनको मैं जानबूझ के उनका बैकग्राउंड पूछा कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, माता जी क्या कर रहे हैं, वो देखने के बाद में आई वॉज सो इम्प्रेस बाय दिस फाउंडेशन दैट आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अब तो स्कूल के एजुकेशन के ऊपर भी आप फाउंडेशन इतना ध्यान देती है। और एक बात जो मुझे बहुत ही इम्प्रेस की कि सिर्फ लड़कियों के एजुकेशन का ख्याल नहीं रखते, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी कुछ ट्रेनिंग आप देते हो, वो स्कूल के टीचरों को भी अगर मदद पड़े तो उनको भी आप ट्रेनिंग देते हो। ई लर्निंग के ऊपर भी आपका काफ़ी जोर रहा है, वो सभी में बात कर रहा था। छोटी बात जैसे कि लेबोरेटरी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, गर्ल्स के लिए हर एक स्कूल में टॉयलेट्स बहुत ही ज़रूरी है, वो हम सब समझते हैं, उसके लिए भी कर रहे हो। सो यू नो लीला फाउंडेशन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड कर रही है, और बहुत ही अच्छी बात है। एंड रियली प्राउड अबाउट व्हाट द फाउंडेशन डज टू माय दिस यंग डायनेमिक गर्ल्स। आई वुड लाइक टू टेल यू
that you have undergone and you are lucky that you got associated with Lila Punawala Foundation and you got a complete development as if just like a student coming out of the finishing school. That much you have got from the institution. Once or twice I in the past attended some of your function and I could differentiate the difference between the incoming Lila Foundation scholars and outgoing. And the transformation in last 2 to 3 years between this period was so phenomenal, so impressive that once you undergo this complete training and education, you are ready to face the world to your best ability and with a lot of confidence. Young girls, your future is very, very bright. Be very ambitious. Let the sky be your limit. You can become one of the most dynamic business leaders or in any profession you are, you can reach the top. What is required is you be ambitious. Whatever you do, do it with lot of dedication, dynamism, and be very, very focused in whatever the things you undertake. I always say to that level that my wife has started complaining that you always say that no, there is no alternative to hard work. No matter how smart you are, no matter how knowledgeable you are, no matter how competent you are, unless you do the hard work, it becomes very, very difficult for you to reach the heights in your life. So always do the hard work. Another thing what I notice in my life, in my personal experience, is whatever you do, you have to enjoy. In the morning to going to your office, or for that matter even going to the school, you go with motha thobda karun shalit jaycha. It's not right. You have to enjoy going to the school. You have to enjoy taking up the responsibility. You have to enjoy doing the hard work. If you don't enjoy, it cannot be sustained for a long time. It's just like as we say, and I know that mom is very regular for her exercise. And unless you enjoy your morning exercise rituals, it cannot be sustained for a long time. So whatever you do, start enjoying it. Sometimes you have to create the enjoyment out of it. It's not necessary that all the time it is enjoyable process. But within, it has to come out that let me start enjoying. As you go up in your life, what is required is a good leadership quality. And leader is a good leader when he says with his own good example. In our country, now it is improving, I am very happy that we Indians are excellent to work individually. Individually success is
always the best. But what we lack is the teamwork. This is what we Indians and this you girls, you have to learn whenever you go up in your life, is to develop the teamwork. And without teamwork, no organization, no assignment, no work can be successful. Another aspect of your life, which is a reality, is your distribution of commitment in your life. A time will come that you'll be responsible for your day-to-day home rituals, your needs in the life, your present and your future family, your commitment towards your present and commitment towards your future family, your work, your entertainment, enjoyment, spending quality time with your family, all these things you will have to go on balancing in your life. Because if any of this is not successful, your life is incomplete, and sometimes, let me warn you, it can collapse also. For that, you know that you are always pressed of time. 24 hours are also not enough, but you also need 7 to 8 hours of sleep. You have to spend few hours on your personal health, your social responsibility, and there are so many things. For that, what is the most important is your time management. How best you can spend your time meaningful, in short, you do the work, try to do the work of, say you are doing it in 1 hour in 45 minutes, your speed reading. There are so many aspects of time management. I suggest, and I am sure that mom must have considered this, and let us have some training for the time management in case it is not done. As you go further in your life, your social responsibility, I know that Lila fellows, you are giving back whatever you have taken to the Lila Foundation, to your best ability. You have to help in your life the poor and needy. And I am sure, as you are the beneficiaries of all this in your own life, you will definitely help others. And as our Prime Minister very rightly said, Desh ka vikas, sabka vikas. Unless your country grows, unless country progresses in totality, a complete 360 degrees, I would say, of the growth of each and every person, every citizen of our country, we cannot grow as a nation. So try to be very helpful, help others, whatever you can do in your future life. As I conclude, some ideas came to me recently is we have to be a good citizen. It's a cleanliness or
a basic discipline in our life. Just like as I was coming near the council hall, the light turned red. My driver, because I was sitting there, probably he stopped. But in the morning times, there is not much traffic. So three or four cars behind me overtook and went ahead. Breaking discipline really saves your time. It is helpful to you in some way. Just like, you know, as we say about the corruption in our country, the corruption makes your life more comfortable, makes your business more affordable and more comfortable. But in long run, it eats your country itself. So these are the things, you know, that we have to learn. As I conclude, I would like to quote an example which was happened to my own granddaughter. There was a wedding in Ahmedabad, and the flight in those days was in the afternoon at 2:30. And my granddaughter, with my daughter and son-in-law, wanted to come for that wedding. School being a very disciplined school, they said that, sorry, we can't give you even half a day off for a particular wedding. A very prominent school, I won't name the school. But teacher said that there is only one way. The girl should come and tell that I am not feeling well and I want to go home. Will allow her to go. Would you believe what my granddaughter told my son-in-law? He said, Papa, आप रोज हमको कहते हैं कि झूठ मत बोलो और आप ही हम मुझे कहते हैं कि झूठ बोलो. So he said, I never say this is the option open to you. Don't use it. So what he did? He said, I will stay back. We all went by the flight. He and my granddaughter drove from Pune to Bombay, took the flight and reached at midnight. By that time, as in the morning hours, she was in the school, came to the school and rushed to the Bombay and reached Ahmedabad. She was so tired. And my son-in-law said, this is what you have to suffer to speak truth. And form the habit and you will be suffering for some time, but in long run it will be very useful to you. So sometimes you have to learn from young children also. And as I see you, I know that with your all capabilities, with your enthusiasm and with full support of Lila Foundation, the success is waiting for you to reach. My best wishes to all of Lila, present, past and future fellows, mom and dad. Please continue, or rather increase your work. There are many people who will be always supporting you. One of them is me. Aapla sagalyancha faraz aabar madhe mala angrejit bolayla
दूसरा वैसा करें दूसरा कह चार नवता भावनी अंग्रेजी बोल लो पण तुम्हाला सगळ्यांना कळलं असेल नाही कळलं असेल तर तुम्ही तुमचे मुलींना विचारून सगळं तुम्ही जाणू शकता. नमस्कार, धन्यवाद. Mom to please felicitate Mr. Nitin Desai with a token of gratitude.